माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अंतिम रूप ले रहा है। उसकी तैयारियां बोर्ड के द्वारा की जा रही है। पूर्ण तैयारी होने के पश्चात जो बिंदु या कुछ प्रकरण जो परिणाम समिति में रखे जाने हैं उनके लिए परिणाम समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात परिणाम जारी किया जाएगा। 12वीं कक्षा का परिणाम पहले जारी किया जाता है, उसमें साइंस, कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स का, और इसके बाद में 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अंतिम रूप ले रहा है। उसकी तैयारियां बोर्ड के द्वारा की जा रही है। पूर्ण तैयारी होने के पश्चात जो बिंदु या कुछ प्रकरण जो परिणाम समिति में रखे जाने हैं उनके लिए परिणाम समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और उसके पश्चात परिणाम जारी किया जाएगा। 12वीं कक्षा का परिणाम पहले जारी किया जाता है, उसमें साइंस, कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स का, और इसके बाद में 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया जाता है। तो इस सप्ताह में हम परिणाम को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और अगले सप्ताह में कभी भी परिणाम जारी किया जा सकता है। 12वीं और 10वीं कक्षा में मिलाकर के 19.5 लाख के लगभग परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, जिनका पहले 12th का आता है रिजल्ट। उसमें पारंपरिक रूप से पहले विज्ञान का आता है, फिर कॉमर्स का और फिर आर्ट्स का रिजल्ट घोषित किया जाता है और उसके पश्चात 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया जाता है।